हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित जारवाल। आज हम बात करेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ CONOX एंड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैस। यानी सिंपली हम देखें तो एग्जॉस्ट गैस में जो भी पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये सिंपलर फॉर्म में यानी हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करने में काम आता है। ठीक है, अब कैटालिटिक कन्वर्टर दो तरह के होते हैं, एक थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर, एक टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर। यहाँ पे हम जैसे ये देख सकते हैं, ये एक थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, एक तरफ से हम एग्जॉस्ट गैस को एंट्री करवाते हैं CONOX प्लस हाइड्रोकार्बन, और हमें दूसरी तरफ CO2 N2 और H2O मिलती है। ये प्रोसेस कैसे होता है, इसके बीच में हम रखते हैं एक हनीकॉम स्ट्रक्चर। हनीकॉम यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिरेमिक मटेरियल का बना हुआ होता है, और उसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या काम करेगा, हमारी जो ऑक्सीडेशन या जो भी रिडक्शन रिएक्शन इसमें होगी उसकी स्पीड को वो इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहला कैटलिस्ट होगा इसमें अपने पास रोहोडियम। रोहोडियम काम आएगा नॉक्स के रिडक्शन में। नॉक्स यानी अपने जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे NO2 NO3, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको रिडक्शन करने में काम आएगा। उसके बाद CO का ऑक्सीडेशन होगा, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ पॉल्यूशन रिडक्शन, पॉल्यूशन की रिडक्शन करने की जो रेट है हमारी उसको ये काफ़ी तेज कर देगा। ठीक है, उसके बाद हनीकॉम स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता दिया है, जैसे कि मेड ऑफ सिरेमिक एंड कोटेड विद कैटलिस्ट। ठीक है, हनीकॉम स्ट्रक्चर हम यहाँ क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गैस को लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है, कॉन्टैक्ट एरिया। उससे क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है। अब तीन रिएक्शंस हैं इसमें जो साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं, इसीलिए हम इसे थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। तो पहली रिएक्शन है नॉक्स का रिडक्शन रोहोडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो हमें देगा N2+O2। अब ये ऑक्सीजन फर्दर आगे काम आ जाएगी CO और हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कराने में। CO का ऑक्सीडेशन होगा पैलेडियम की प्रेजेंस में, CO2 बन जाएगी, और हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन होगा प्लेटिनम की प्रेजेंस में, H2O+O2 बन जाएगी। अब इसके बाद नोट है, कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ ओनली अनलेटेड फ्यूल। इसमें हमें केवल वही फ्यूल यूज़ करना है जो अनलेडेड हो, क्योंकि हम अगर जैसे लेडेड फ्यूल यूज़ करेंगे तो लेड क्या है, स्टिकी सब्सटेंस होता है। अब वो एग्जॉस्ट में आएगा तो कैटलिस्ट के साथ चिपक जाएगा और हमारी जो कन्वर्जन की रिएक्शन है उसको ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है वर्क एट हाई टेम्परेचर ओवर 300 डिग्री सेल्सियस। यानी कैटालिटिक कन्वर्टर जब इंजन का टेम्परेचर हाई हो जाता है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तब ये एफिशिएंटली काम करता है। यानी अगर आप देखें तो शुरुआत में आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो लगभग 2-5 मिनट ये इतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये एफिशिएंटली काम करेगा। उसके बाद दूसरा है, एक नोट है टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर। टू वे का मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, केवल दो रिएक्शन होती है वहाँ पे, केवल हम CO और हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, वहाँ पे नॉक्स का रिडक्शन नहीं होता है। इसलिए इसमें दो रिएक्शन हो रही है तो हम इसे टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। ये एक हाई टेम्परेचर का चैम्बर होता है जिसमें से हम CO और हाइड्रोकार्बन को पास करवा के इन दोनों का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो दोस्तों, यही था बस कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।